यहाँ स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न देखिए, क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कितने भी, यानी कि 4 से अधिक भी रन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 4। क्रिकेट खेल में 4 एम्पायर होते हैं। और क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेहद उपयोगी जानकारियां। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की गेंद का भार 5 सही 1/2 से 5 सही 3/4 औंस या फिर 156 से 163 ग्राम होता है। और बात करें क्रिकेट बैट की जो लंबाई होती है, अगर इंच में बात करें तो 38 इंच यानी 38 इंच और 965 मिलीमीटर होती है। अगर बात करें क्रिकेट बैट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो 4.25 इंच या फिर 108 मिलीमीटर होती है। और पिच की जो लंबाई होती है 22 गज, गज में बात करें तो 22 गज, और मीटर में अगर बात की जाए तो 20.12 मीटर। अगर फीट की बात की जाए तो पिच की जो लंबाई होती है वो 66 यानी 66 फीट होती है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पिच की जो चौड़ाई होती है कितने फीट होती है, 10 फीट। कितने मीटर होती है पिच की चौड़ाई, 3.05 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो केंद्र के बड़े घेरे की दूरी 75 से 85 गज हो सकती है। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो विकेट की जमीन से जो ऊंचाई होती है 28 इंच तथा क्रिकेट स्टंप की जो कुल चौड़ाई होती है अगर उसकी बात करें तो 9 इंच या फिर 22.9 सेंटीमीटर होती है। और भी कुछ जानकारियां? जी हाँ, सितंबर 2017 के नए नियम के अनुसार अब बल्ले की गहराई यानी जो डेप्थ होगी वो 67 mm या और एज जो एज होगा 40 मिलीमीटर कर दिया गया है, जबकि बल्ले की जो चौड़ाई और लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जी हाँ, लगातार आप गेस करते रहिए, आपने खूब तैयारी किया है, तो इसका सही उत्तर आप बताते चलिए। जी हाँ, क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 4 अंपायर होते हैं, तीसरे का सी ऑप्शन सही है। और बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्रिकेट बल्ले की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 38 इंच इसका सही उत्तर होगा। क्रिकेट बल्ले की जो लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। तो लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करेंगे तो कम से कम गलती होगी। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको छोड़ के जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 7 फीट, 9 फीट, 10 फीट या फिर 11 फीट? जी हाँ, उत्तर आपको दिख गया होगा, 10 फीट। क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है फीट में अगर बताना है तो 10 फीट होगी। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है, 8 इंच, 10 इंच, 5 इंच या फिर 9 इंच? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 इंच। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई 9 इंच होती है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 66 फीट, 68 फीट या 72 फीट या 70 फीट? अभी इसके पहले हमने डिटेल्स में क्रिकेट के बारे में डिस्कस किया, इसका सही उत्तर आप जल्दी से बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 फीट। क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 66 फीट। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करने से कम गलतियां होंगी। जी हाँ, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, गज में आपको बताना, 21 गज, 18 गज, 22 गज या फिर 20 गज? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि 22 गज। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच, 37 इंच, 40 इंच या फिर 39 इंच? ये 4 ऑप्शन दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक क्रिकेट बैट की जो लंबाई होती है वो होती है 38 इंच। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12th क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी इंच में दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें 28 इंच
यानी कि 12 का ये ऑप्शन सही होगा। क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक। आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितने बाउंसर डाले जा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। और बात करें कुछ और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1 अक्टूबर 2012 से बदले हुए नियमों के अनुसार टेस्ट मैच में प्रति ओवर 2 बाउंसर, वनडे मैच में प्रति ओवर 2 बाउंसर पूर्व में एक था, तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक बाउंसर प्रति ओवर डाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्रिकेटर जिमे पाम ट्री हिटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉली उमरीगर। जी हाँ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर पॉली उमरीगर को उनके छक्के मारने की प्रवृत्ति के कारण उनका उपनाम पॉम ट्री हिटर के नाम से पुकारा जाने लगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जी हाँ, रोहिंटन वारियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। जी हाँ, और भी इससे संबंधित कुछ जानकारी। रोहिंटन वारिया गोल्ड ट्रॉफी या सामान्यतः रोहिंटन वारियर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारत में वर्ष 1935-36 से आरंभ इस ट्रॉफी का आयोजन प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय स्तर यानी इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। जी हाँ, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और भी बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए। रोहिंटन वॉरियर ट्रॉफी दी जाती है किस खेल में? क्रिकेट में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि बिजी ट्रॉफी। जी हाँ, बिजी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है किस खेल से? जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसेज शब्द किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्वेश्चन नंबर 23, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एसेस कप क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य प्रति वर्ष खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो लॉर्ड्स का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत ही फेमस मैदान है, आपने जान लिया बिल्कुल। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंग्लैंड। जी हाँ, लगातार अभ्यास बंद करते रहिए। क्वेश्चन नंबर उसको पढ़ने से पहले देखिए, लॉर्ड्स का मैदान या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड के सेंट जॉन्स वुड में स्थित एक क्रिकेट खेलने वाला मैदान है। इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर किया गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि महाराष्ट्र मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 25 की बात करें, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बारावती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करने से कम गलतियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो 27 का इसमें थोड़ा विवादित प्रश्न है, इसमें देखिएगा और भी आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, जो विवादित है उसको नहीं पढ़ना है, उसके बारे में जो डिटेल्स है उसको पढ़ लेते हैं। 28 का देखिएगा, क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 75, 65 या 55 या फिर 45 गज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 गज। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, क्रिकेट पिच की सीमा रेखा की दूरी निश्चित नहीं होती, परंतु विकेट से इन रेखाओं की दूरी 70 से 90 गज के बीच होनी चाहिए, इस कारण खेल क्षेत्रों का आकार अलग अलग होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? तो चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? जिम लेकर। जी हाँ, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के प्रथम गेंदबाज
जिम लेकर हैं और भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले भी एक पारी में 10 विकेट पाकिस्तान के विरुद्ध प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम गेंदबाज हैं। जी हां, और भी रोचक जानकारियां क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि शोएब अख्तर को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिली पॉइंट किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। जी हां, लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करने से कम गलती होगी। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के खेल से जुड़ा नहीं है, ये बताना है। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का, ये ऑप्शन सही होगा, केवल 4 सही है, यानी लॉन्ग लेग ये क्रिकेट खेल से नहीं जुड़ा है। बाकी डक, शॉर्ट लेग, स्क्वायर लेग क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। जी हाँ, 7वां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? 4 ऑप्शन दिया गया, 4ों में से सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, राहुल द्रविड़। जी हाँ, वर्ष 1999 में हुए 7वें विश्व कप में सर्वाधिक रन 461 रन बनाने का श्रेय भारत के राहुल द्रविड़ को प्राप्त है। वर्ष 2015 के विश्व कप में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने सर्वाधिक 547 रन बनाए थे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4ों में से सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, 1975। और भी क्रिकेट के बारे में कुछ और जानकारियां। जी हां, विश्व कप क्रिकेट सर्वप्रथम 1975 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। इस विश्व कप में विजेता वेस्टइंडीज और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। वर्ष 2015 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। इस विश्व कप में विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता न्यूजीलैंड था और वर्ष 2019 का विश्व कप इंग्लैंड एवं वेल्स में हुआ था तथा 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा क्रिकेट का विश्व कप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट खेला है? 4 ऑप्शन दिए गए, 4ों में से सही उत्तर बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी खिलाड़ी ने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट नहीं खेला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जी हाँ 21 ईयर्स, जी 21 वर्ष की आयु में क्रिकेट दल का कप्तान होने का सौभाग्य 2 भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त है। उनमें से एक है पटौदी, तो दूसरे खिलाड़ी का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, नवाब पटौदी के बाद सचिन तेंदुलकर 23 वर्ष 126 दिन की आयु में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। हालांकि प्रश्न जो है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग किस रूप में भी जाने जाते हैं? द रिएक्टर, पॉन्ट्स, पंटर, पॉन्टर, ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4ों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पंटर। जी हाँ, और भी बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग अपने साथी खिलाड़ियों के बीच पंटर उपनाम से मशहूर हैं, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली का उपनाम चीकू है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि पॉम्पिंग क्रीज किससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। जी हाँ, MCC के रंग कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा लाल एवं पीला। जी हाँ, और भी कुछ जानकारी से, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC का पूरा नाम है। लंदन की जर्सी का रंग लाल और पीला है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया, 4ों में से सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, गारफील्ड सोबर्स। जी हाँ, और भी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, विकल्पों के आधार, जी हाँ, रन बनाने वाले, सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड गारफील्ड, जो विकल्प के आधार पर है उसमें रिकॉर्ड बनाने वाले गारफील्ड सोबर्स वेस्टइंडीज के नाम है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 26 फरवरी 1958 को 365 रनों की नाबाद पारी खेली थी और टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक 400 रन नाबाद बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के पास है। और भी क्रिकेट के बारे में बात करें तो सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको, विकल्पों के आधार पर सचिन तेंदुलकर ने 17 वर्ष 107 दिन की आयु में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 119 रन बनाए थे।
इसी के साथ वह विश्व के तीसरे मोहम्मद अशरफुल तथा मुश्ताक मोहम्मद के बाद सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। अतः विकल्प सी अविष्ट उत्तर होगा, अपने पदार्पण मैच में सबसे कम उम्र 18 वर्ष 329 दिन में शतक बनाने वाले पृथ्वी शॉ पहले भारतीय एवं विश्व के चौथे युवा बल्लेबाज हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है। चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, जी हाँ टाइम आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे। 43 देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन बॉर्डर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है एलन बॉर्डर। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, एलन बॉर्डर ने 156 मैचों में कुल 265 पारियां खेली। विकल्पों के आधार पर सुनील गावस्कर 214 पारियां दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए उत्तर बी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अनलकी 199 क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर देख करके हम बता रहे हैं आपको। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा 6। अनलकी 199 क्लब में शामिल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो 6 खिलाड़ी हैं वो 6 खिलाड़ी कुछ इस प्रकार हैं, इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 45 की, जी हाँ विजय हजारे जुड़े हुए हैं, किस खेल से जुड़े हुए हैं विजय हजारे, तो ये उसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम क्रिकेट पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो जितने भी खिलाड़ी इसमें हैं सब क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं। विजय सैमुअल हजारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 2004 को हुई, और इन्होंने भारत के लिए कुल 238 टेस्ट मैच खेले, जिनमें इन्होंने 2192 रन बनाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, इंग्लैंड के जिम खास दिन, जी हाँ इंग्लैंड के जिस खास दिन से टेस्ट श्रृंखला शुरू होती है वो दिन होता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये थोड़ा सा विवादित भी है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इंग्लैंड के क्रिकेट के ग्रीष्मकालीन सत्र से टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत अधिकतर बृहस्पतिवार के दिन से होती है, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक बना था कितने गेंदों में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 गेंदों में। जी हाँ, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के विरुद्ध 4 अक्टूबर 1966 को एक दिवसीय मैच में 37 गेंदों पर शतक लगाया। इसी पारी में उनका व्यक्तिगत स्कोर 11 छक्कों और 6 चौकों के साथ 102 रन बना था, और पाकिस्तान ने ये मैच 82 रनों से जीता था। वर्तमान में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दक्षिणी अफ्रीका के एवी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने जनवरी 2015 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए 31 गेंदों में शतक लगाया था। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 16 छक्के और 9 चौके लगाए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, जी हाँ 48 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, किसको शताब्दी का सीएट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया। चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा कपिल देव को। जी हाँ, कपिल देव को वर्ष 2002 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था। वर्ष 2018 में विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा श्रीनाथ, 49 का डी ऑप्शन। जी हाँ, भारत के तेज गेंदबाज जोगल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1996 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी काउंटी के लिए रवि शास्त्री खेले हैं। तो चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा गले मॉर्गन काउंटी के लिए रवि शास्त्री खेले हैं। रवि शास्त्री एक भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं और खेल कमेंटेटर भी हैं। ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच हैं। इन्होंने ग्ले मॉर्गन काउंटी के लिए मैच खेला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, जी हाँ, डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात क्रिकेट टीम है, बिल्कुल सही कहा आपने, श्रीलंका। जी हाँ, विश्व कप 1996 में श्रीलंका टीम की क्षमता एवं खेल को देखते हुए
उनके लिए डार्क हॉर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस विश्व कप में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा कर विजयी रहा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू के नाम से संबोधित किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। जी हाँ, क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश काल में हुआ। जी हाँ, क्रिकेट एक प्राचीन एवं लोकप्रिय खेल है और इस खेल का प्रचलन 13वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि इसका प्रचार प्रसार ब्रिटिश काल में हुआ है। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई, जो लगभग 3 दशक तक क्रिकेट खेल का प्रचार विकास और आयोजन करता रहा। भारत में भी इस खेल को लोकप्रियता ब्रिटिश शासन काल में ही मिली। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। जी हाँ, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। जी हाँ, क्रिकेट की बाइबिल के उपनाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेटर्स अलमैनक विजडम क्रिकेटर अलमैनक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1864 ईस्वी में किया गया था। तब से अब तक इसके 153 संस्करणों का प्रकाशन किया जा चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। पहली ICC T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2007। जी हाँ, पहली ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट 2007 में अफ्रीका में खेला गया था। पहला आधिकारिक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वर्ष 1877 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जी हाँ, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सन्डरी का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द का अर्थ होता है एक्स्ट्रा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।